कंझावला सड़क हादसे की गुत्थी अब सुलझने की जगह और उलझती जा रही है। घटना में मंगलवार को और दो नए सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसमें अंजलि के साथ एक और लड़की स्कूटी पर जाती दिख रही है। इसमें पिंक टी शर्ट में अंजलि है और रेड टी शर्ट में अंजलि की दोस्त बैठी है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी की पहली तस्वीर में अंजलि और उसकी दोस्त रात 1:45 पर होटल से निकलती हैं। मैंने सिर्फ रूम दिया था, मैं अपनी ड्यूटी ऑफ करके चला गया था। अच्छा। उसके बाद जो डीवीआर में पुलिस वालों के पास है। अच्छा। लेकिन जो लड़की आई थी कहाँ रुकी थी? रूम में रुकी थी 104 में। 104 जी। अच्छा। पहले भी कभी आपने उनको देखा हो शूटिंग में आई? हाँ जी देखा। अच्छा। नीचे झगड़ा हुआ उनका। नीचे झगड़ा हुआ है जी। किस बात को सुनने में पाया? बात सुनने में आई वो क्या जी? किस बात पे झगड़ा हुआ? बात सुनने में आई? नहीं कुछ नहीं, एक दूसरे का आपस में लड़ रही थी। बीच में कोई एक लड़की उनके चली भी गई थी सर? हाँ जी। अच्छा, कौन गई थी? और जिसका अभी एक्सीडेंट में मिली है जो लड़की, जो भी जिंदा है। अच्छा, वही उनके चली गई? हाँ जी, वो चली गई, फिर वापस आई, फिर चले गए थे दोनों। दो लड़कियां आई थी या उनके साथ कोई और भी आया था? मेरे सामने दोनों लड़कियां आई थी। होटल से निकलते वक्त उसकी दोस्त स्कूटी चलाती है और फिर कुछ दूरी पर अंजलि कहती है स्कूटी मैं चलाऊंगी। फिर वो स्कूटी चलाती है और दोस्त पीछे बैठ जाती है, जिसके बाद हादसा हो जाता है। पुलिस के मुताबिक अंजलि की दोस्त को हल्की चोट आती है और वो मौके से भाग जाती है, लेकिन हादसे में अंजलि का पैर कार में फंसता है और वो कार के साथ घसीटती चली जाती है। इस घटनाक्रम में रोहिणी सेक्टर 23 में स्थित होटल के इसी कमरे में रुकी थी अंजलि। इस कमरे में क्या हुआ ये बस अंजलि और उसकी दोस्त ही जानती है। होटल में काम करने वाले एक लड़की ने बताया कि दोनों लड़कियां नशे की हालत में लग रही थी। यही कि वो आए थे अपना चेक इन लिया, 7 बजे के बाद ही आए थे वो। फिर वो लड़की थी, दोनों लड़कियां थी, वो उन्होंने ड्रिंक वगैरह कर रखी थी, आपसी में लड़ रहे थे वो। अब ये तो पता नहीं किस बात पे लड़ाई थी, हमने बोला भी था कि लड़ाई मत करो, अब मैं आसपास के गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिर वो 12 बजे के बाद अपना चले गए थे। दोनों लड़कियां थी उनके साथ कोई और भी लोग? और कोई नहीं था, बस वो दोनों, वही दो थी। दोनों ने ड्रिंक कर रखी थी? हाँ जी। किस बात पे लड़ाई हुई? अब ये तो हमें भी नहीं पता किस बात पे, उनके आपसे ही पर्सनल मैटर। आप लोगों ने उनको ड्रिंक करते हुए देखा? मतलब स्मेल आ रही थी उनके। अच्छा, फिर झगड़ा कितने बजे शुरू हुआ? ये झगड़ा 9 बजे के बाद ही हुआ था सर। 9 बजे के बाद? हाँ, काफी टाइम तक इनका झगड़ा होता रहा, शांत होता रहा, फिर लड़ते रहे, शांत होता रहा, ऐसे चल रहा था उनको। ये भी आया था कि शायद बीच में कोई एक चली गई थी? हाँ, एक चली गई थी थोड़ी देर के लिए, फिर वो आ गई थी वापसी, फिर उसके बाद वो चली गई थी। अच्छा, दोनों आपको याद कैसे इतनी चीजें? मतलब आप पहले भी कभी वो आई हो या कभी आपने देखा? नहीं नहीं, पहले तो नहीं देखा हमने, इधर ही देखा था क्योंकि उन्हीं की लड़ाई हो रही थी ज्यादा, उसी और इसी चक्कर। अच्छा। फिलहाल दिल्ली पुलिस पीड़ित लड़की की दोस्त की कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी, और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है, और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, और जो एक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सजा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। दिल्ली पुलिस पड़ताल में जुटी है कि कहीं इस एक्सीडेंट के पीछे पीड़िता की दोस्त का हाथ तो नहीं, क्योंकि दोनों के बीच होटल में काफी झगड़ा हुआ था। ऐसे बहुत से सवाल अब अंजलि की दोस्त पर तलवार की तरह झूल रहे हैं कि जब एक्सीडेंट हुआ तो दूसरी लड़की ने अंजलि को बचाया क्यों नहीं, पुलिस को हादसे के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी, क्यों उसे मौत के मुंह में छोड़कर चली गई, क्यों उसने नहीं देखा कि उसकी दोस्त अंजलि कहाँ है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने कुछ लड़कों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है जो होटल में लड़की के साथ देखे गए थे।
इन लड़कों ने इस होटल में अपना एक अलग कमरा बुक किया था। होटल वालों ने उन लड़कों को लड़की से बात करते हुए भी देखा था, जिसके बाद वो थोड़ी देर रुककर वहां से चले जाते हैं। वहीं रात करीब 1:45 पर दोनों लड़कियां होटल से बाहर निकलती हैं और अपनी स्कूटी लेकर चली जाती हैं। सब्सक्राइब टू मिडडे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।